जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाए। पीएम मोदी के कल शपथ ग्रहण से पहले ही एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने आज बड़ा बयान दे दिया। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने आज तक पर वो खुलासा किया, जिसके बाद सियासी फिजा में गर्मी बढ़ गई। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता नीतीश कुमार ने फाइनली बिग नो कह दिया है ऐसे किसी भी प्रपोजल को। प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, और प्रपोजल उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने से भी इनकार कर दिया। केसी त्यागी का बयान ऐसे समय में आया है जब शुक्रवार को जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी थी। हालांकि केसी त्यागी की माने 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया था? क्या केसी त्यागी के बयान को जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा सकता है? क्या मोदी सरकार में जेडीयू के लिए ज्यादा मंत्री पद पाने के लिए केसी त्यागी ने ये बयान दिया? जहाँ तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा का और समन्वय का विषय है। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंथन चला। मंत्रिमंडल में एनडीए की हिस्सेदारी को लेकर लगातार बैठक हुई। पीएम मोदी ने कल ही मंत्रियों को लेकर अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी थी। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी क्या भाई, आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजा आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। हालांकि पीएम मोदी के सामने बोलते हुए नीतीश कुमार इशारों में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखने से भी नहीं चुके। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। नीतीश के सियासी ट्रैक रिकॉर्ड और उनके बयान को कांग्रेस संशय के दृष्टि से देख रही है। क्या आपको लगता है कि पूरी 5 साल ये पारी कम्प्लीट हो पाएगी या नीतीश बाबू का मन बदल जाए? कुछ कहना मुश्किल है। नीतीश जी का जो अब तक का जो भविष्य है, या सॉरी उनका जो भूतकाल है, जो इतिहास है, वो सभी देशवासियों ने देखा है, खासतौर पर बिहार के लोगों ने देखा है कि कब वो पलटी खा जाएंगे कहना मुश्किल है। कब वो चेंज कर लेंगे, इस फ्लोर से उस फ्लोर में चले जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। सबको साथ लेकर चलने की राजनीतिक सूझबूझ पीएम मोदी की काफी पुरानी है। संगठन से लेकर सरकार में उनका अनुभव पुराना है, लेकिन विपक्ष को अंदेशा है कि ये सरकार 1 साल भी नहीं चल पाएगी। पहली बात तो ये कि विपक्ष को इन्होंने जितना क्रस कर सकते थे किया, बावजूद इसके ये परिणाम जो 235 का आया है, अगर बराबरी का मौका मिला होता तो शायद ये 335 होता। चलिए, एक वैसाखी वाली सरकार मोदी जी ने बना ली है, इनका अहंकार इस सरकार को चलने नहीं देगा। अहंकार इनका सरकार गिराएगा, 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। इन सियासी बयानबाजी और कयासबाजी के बीच कांग्रेसी खेमे में भी आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। 2024 में 99 सीट जीतने वाली कांग्रेस को लगता है कि उसे संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस के नेता इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं।
यही वजह है कि कांग्रेस में फैसला लेने वाली शीर्ष संस्था CWC की बैठक में सर्वसहमति से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने की मांग उठी। LOP बने और देश की जनता की आवाज बने, यह हमारी सभी कार्य समिति की इच्छा है और उस आधार पर राहुल जी देश में LOP बनेंगे और ये तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता के सामने सच लाने में उनको LOP बनने के बाद ताकत मिलेगी, ये भूमिका हमारी है। राहुल गांधी जी ने जिस रूप से निर्भीकता से हर वर्ग की लड़ाई लड़ी पिछले 10 वर्षों से इस सरकार से, इस राहुल गांधी जी ने जिस रूप से भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं समझता हूँ वो एक विशेष बधाई के पात्र हैं। और ये भावना को देखते हुए हम सब ने ये भी आग्रह किया कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें, ऐसी भावना देशवासियों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी यही भावना उभर के सामने आई कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए देश को एक मजबूत विपक्ष और एक आने वाले समय का मजबूत विकल्प देने का काम करें। CWC की बैठक में इन मांगों पर राहुल गांधी ने सोचने का वक्त मांगा है। उन्होंने फिलहाल फैसला नहीं लिया है, लेकिन एक फैसला JDU ने जो लिया, मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने की PM पद के ऑफर को नीतीश के ठुकराने की बात जो KC त्यागी ने कही, उसकी सियासी तासीर कई दिनों तक गर्म रहेगी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है BJP के। हमारे साथ जुड़ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। मलुक नागर साहब जो कि सांसद लोकसभा के और जनरल सेक्रेटरी RLD के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता JDU के जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय आलोक, अभी तक की पूरी कहानी देखकर तो ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू मांगे मोर, क्योंकि उनका दिल मान नहीं रहा है। ये जो 240 पर आपकी पार्टी अटकी है, क्या आपको लगता है कि अब आपको जो मूड स्विंग्स है नीतीश बाबू के, उसको संभालना होगा? अगर उनकी पार्टी का नेता ये आकर बताता है कि उनको मंत्री पद, उनको PM पद दिया जा रहा था, तो आखिर इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? अब BJP इसका क्या मतलब निकाल रही है? BJP एक ही अर्थ निकाल रही है कि नीतीश जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और NDA के अभिन्न अंग हैं। ये तमाम स्पेकुलेशंस पे मुझे लगता है अंजना जी अंत कल ही लग जानी चाहिए थी, जब संसदीय दल के बैठक में नीतीश जी के बयान आ गया, सब कुछ आ गया और सब कुछ सेटल्ड हो गया कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे चलना है वैसे चलेंगे। NDA की सरकार पहले भी आराम से चली है, नीतीश जी उसमें मंत्री भी रहे हैं, अभी तो खैर उनके दल के लोग मंत्री रहेंगे, तो इसलिए इसमें कोई स्पेकुलेशन और कयास लगाने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो दल, जो हमारे विपक्षी दल हैं, उनका हाल बस उसी बिल्ली की तरह हो गया, ऐसे मुंह लटका के नीचे बैठे हुए हैं, छीका टूटेगा हम दही खाएंगे, लेकिन ना छीका है ना दही है, ये NDA है, बड़ा यूनाइटेड है। जब पूर्ण बहुमत में भाजपा थी तब भी यूनाइटेड था, आज जब NDA है तब भी यूनाइटेड है। और मत भूलिए 35 साल के बाद भी आज भी 232 से ज्यादा किसी दल को नंबर्स नहीं आए, हम आज भी 240 में हैं। जब 232 पे नरसिम्हा राव अल्पमत की सरकार 5 साल चला गए, अल्पमत पे जब सारे विरोधियों के साथ मिलके 5 साल चला गए, तो हम तो यहाँ अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ बैठे हुए हैं। और जो दो सहयोगियों की आप बात कर रही हैं, उनका पूरे देश में एक कॉमन एजेंडा है, एक कॉमन एजेंडा, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस देश को आगे ले जाने के लिए और तमाम राहों के लिए, ये सब कयासों पर मुझे लगता है अब अंत होनी चाहिए। कल से शपथ ग्रहण है, परसों से कार्यभार शुरू हो जाएगा और देश भी प्रगति के रास्ते पे दौड़ेगा, और तब फिर से पुराने डायलॉग आपको रटे रटाए फिर से सुनने को मिलेंगे, उस पर फिर आप डिबेट करेंगे। ठीक है, चलिए डिबेट करेंगे, क्योंकि आप जैसे प्रवक्ता है तो उनको कुछ तो काम मिलना चाहिए ना भाई, कि अगर बयान आ रहा है तो उसमें पार्टी को डिफेंड करना है। सुप्रिया श्रीनेत जी, अब आपके पास आते हुए, देखिये जो बीते दिन NDA संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें चाहे नीतीश कुमार हो चाहे TDP हो, देखिए क्योंकि अगर JP नड्डा जी प्रशंसा करते हैं, अमित शाह प्रशंसा करते हैं,
राजनाथ सिंह करते हैं, नितिन गडकरी करते हैं, तो बड़ी बात नहीं है, आपकी पार्टी के नेता है। लेकिन सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन शब्दों में प्रशंसा की और फिर साथ का उन्होंने वादा किया है, अब उनकी सरकार बन रही है, तो इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत आपको दिखाई देती है क्या? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। अंजना जी देखिए, ऐसा है कहीं कीट कहीं का रोड़ा इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से अपनी मनमर्जी और तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदी हैं। वो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं चाहते, अपनी अपनी टीम में उन्होंने कभी डिस्कशन नहीं किया है, मंत्रियों को पता ही नहीं होता था मंत्रालयों में क्या हो रहा है, और उसका जीते जागते प्रमाण तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आज दबे स्वर में खूब बोल रहे हैं। देखिए नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, जनता ने जो भी संदेश दिया उसे समझना चाहिए, बदलाव चाहती थी बड़ी शांति से करने। तो बहुत सारी ऐसी बातें, योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर अमित शाह जी के लिए वीडियो पे मैसेज डाल डालकर क्या कह रहे हैं, क्यों मेरा मुझ पर खुलवा रही है। तो जो तुगलकी फरमानों से पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे थे, अब वो बदल जाएगा, क्योंकि अब उनका हाथ पकड़ने के लिए 2 बैसाखियां हैं और बैसाखियों ने बवाल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 2 बातें बोल देती हूं यहां पर। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने परसों अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अब होने वाले हैं वो इस पर क्या करेंगे, अग्निवीर क्या वो खत्म करेंगे, जो हमारी पुरजोर मांग थी, हमने चुनाव भी लड़ा, युवा हमारे साथ भी खड़ा हुआ, हमें खुशी होगी वो खत्म हो, लेकिन वो घटक दल उनको बाध्य करेगा खत्म करने के लिए। जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिसका समय आ गया, मोदी जी ने नानुकुर किया, घटक दल हाथ पकड़ के वो करवाएगा। एक और बात कहती हूँ, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे डर फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते थे, तो क्या आंध्र प्रदेश में लोगों का मंगलसूत्र खींच खींच कर दिया जाएगा? क्योंकि टीडीपी के प्रमुख ने तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहां पर हिस्सा रहेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या मोदी जी वहां जाकर अब मंगलसूत्र की बचाने की बात करेंगे, तो और या उनको ये बोलेंगे कि वो मुजरा कर रहे हैं अपने वोट बैंक के सामने जैसे दूसरों को बोलते थे। तो मेरा मानना यह है कि विरोधाभास रहेगा, विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी आदत है, उनकी आदत है माई वे और द हाईवे, उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा, अब राजनीति बदल गई है और बदली हुई राजनीति में उनको बहुत बार बार मन मारना पड़ेगा। ये तो बताइए कि अगर नीतीश बाबू की पार्टी ये कह रही है कि उनको पीएम का पद ऑफर किया गया था, तो एक छोटा सा जल्दी से मुझे इस पर 2 लाइन का जवाब दीजिए कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल, या क्योंकि अब अगर गठबंधन में हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर आखिर? अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी, जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया, उत्तर प्रदेश लेके राजस्थान और महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 85% इंक्रीज कर 55% पे आ गया, और ये बात कर रहे हैं हमने, हम क्यों ऑफर करेंगे? इस तरह का प्लान करके प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पर। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, हम किसी और को क्यों प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे? दबाव बनाने के लिए अजय आलोक जी हो रहा है क्या? चलिए इसका जवाब दे दीजिए, ठीक है अजय आलोक जी, दबाव बनाने के लिए क्या नीतीश बाबू ये सब कुछ कह रहे हैं दबाव बनाने के लिए? अंजना जी चलिए आपके डिबेट पे तो ये एक मुद्दा खारिज हो गया कि केसी त्यागी को जिन्होंने कहा कि कोई ऑफर आया कांग्रेस से खारिज कर दिया, चलिए एक बात तो यहाँ खत्म हो गई। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि एनडीए नीत गठबंधन का हिस्सा क्या कांग्रेस पार्टी है? जो नीतीश कुमार की जेडीयू ने क्या क्या मांग की वो एनडीए के गठबंधन में जोरदार आवाज उठाई किस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी को पता चल गया? और यार गजब आश्चर्य भाई, आज तक चुनाव हारने वाला हारने के बाद कहता था कि हम विश्लेषण करेंगे, हम अवलोकन करेंगे, हम इतनी कम सीटों पर क्यों हारे, ये पहली बार हो रहा है।
अरे एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था अभी, एक मिनट, एक मिनट सुनिए ना, इतना मैं भी एक अलग जगह से आज डिबेट कर रही हूँ, एक बार सबकी आवाज नीचे कीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपनी बारी में बोलिए, मैं भी एक दूसरी जगह से कर रही हूँ ना, मेरे सामने मॉनिटर के मैं देख पाऊँ आप लोगों को, प्लीज, क्योंकि एक साथ दो लोग बोलेंगे बहुत दिक्कत होगी। जल्दी से अपनी बात अजय आलोक जी पूरी कीजिए। अभिषेक झाजी असल आदमी है, जेडीयू वाले हैं, और झाजी आज बताएंगे कि क्या बोला है केसी त्यागी ने, किस पार्टी ने ऑफर दिया है, थोड़ा जिगरा दिखाइएगा झाजी। अजय आलोक जी बात पूरी कीजिए। अच्छा, पुरानी मैं कह रहा हूँ, पुरानी आदतों को जाने में समय लगता है, अभी 5 साल देखिएगा, आदत नहीं जाने वाली है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी अपना अवलोकन कर नहीं रही है भाई, 14, 19, 24 तीनों सीट जोड़ दीजिए, हमारे 240 से कम है, गजब हालत है। मतलब देश की जनता ने नकार दिया कि राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, अब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी नकार रहे हैं कि लीडर वो अपोजिशन नहीं बनना है, उस पर अवलोकन नहीं होगा, उस पर चिंतन नहीं होगा, उस पर मंथन नहीं होगा। मंथन किस चीज पे है? मोदी जी कोलिशन चला पाएंगे कि नहीं? अरे जरा मोदी जी के इतिहास में जाइए, 1992 चिमन भाई पटेल की सरकार बनाने में मोदी जी थे, थोड़ा हिमाचल जाइए, थोड़ा हरियाणा जाइए, बंसीलाल की सरकार मोदी जी ने बनवाई थी, कितने बड़े संगठन के अनुभवी हैं। थोड़ा मोदी के बारे में आप लोगों को कुछ लिख के भेजना पड़ेगा, मुझे लगता है आप लोगों ने खाली मोदी जी के लिखी तो कुछ बुक्स पढ़ी है, मैं पूरी की पूरी मोदी चालीसा भिजवाऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और नेताओं को, ताकि मोदी जी के जीवनी का संक्षिप्त इतिहास आप लोग जान लें। और ये मैं बताता हूँ, ये कोलिशन नहीं चल रहा है, एनडीए मतलब एक है, नेता है नरेंद्र मोदी, सरकार वैसी ही चलेगी। और जो जिस तरह आप कहती थी ना, आप लोग का गठबंधन कहता था नए नए नारे गढ़ के चुनाव के पहले कि मोदी जी के तीन जवाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो ईडी, आईटी, सीबीआई भी चलेगी, देश का प्रगति भी चलेगा, भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे, कोई एजेंडे में बदलाव नहीं होगा। ठीक है अभिषेक झा जी, अब सारा फोकस अभिषेक झा पे रहेगा, और अभिषेक झा आप कितनी ईमानदारी से बताते हैं सब कुछ ये अब अगले कुछ मिनटों में। पहले तो ये बताइए कि केसी त्यागी अगर ये कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तक ये व्हाट्सएप के चुटकुले चल रहे थे कि उनको पीएम का पद ऑफर कर रही है पार्टी, उधर की कभी इधर का फोन उठा रहे हैं, कोई कह रहा है मजाक का टाइम नहीं है नीतीश फोन उठा लो, कोई ये सब, लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ चुका है। अगर केसी त्यागी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया था नीतीश कुमार को, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को सच बताएं, क्योंकि सुप्रिया जी सीधा इनकार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया था, तो किसने दिया था भाई? आपने जिगरे की बात की, बिहार के लोगों के पास कितना जिगरा होता है ये तो देश ने पहले ही देख लिया है, और सुप्रिया जी तक शायद ये बात नहीं पहुंच पाती होंगी, इसलिए सुप्रिया जी अपनी पार्टी की इज्जत को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए इसका खंडन कर रही हैं। ये बातें बहुत हाई लेवल पर होती है नीना जी, केसी त्यागी साहब हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता है, उन्होंने अपनी बातों को कहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, प्रधानमंत्री पद का ऑफर देना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी पार्टी को किसी भी ऐसे ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं। और दो लाइने में कह देना चाहता हूं, नहीं 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 वापस दिखाइए अभिषेक झा जी, एक सेकंड मिस्टर झा को मेरे साथ दिखाइए, मिस्टर झा एक सेकंड, कोई एम्प्लॉई होता है ना जी, उसको अगर अपनी कंपनी में सैलरी बढ़ानी हो तो एक दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके आता है, होता है फला कंपनी तो मुझे ये पद दे रही है और इतनी सैलरी दे रही है, फिर वो यही वही ऑफर लेटर दिखा के अपनी सैलरी यहाँ बढ़वा लेता है, तो ये खेल नहीं चलेगा ना पॉलिटिक्स में, कि उनको उस ऑफर में रुचि नहीं है लेकिन बता गए, दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर कि ज्यादा कैबिनेट मंत्री पद मिले। सीधा सीधा जवाब दीजिए, ये इशू है कि किसने ऑफर दिया, और अगर नहीं दिया तो झूठ बोला जा रहा है क्या? नहीं, कोई झूठ नहीं बोला जाता है, और राजनीति और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से अलग है। हम दबाव और प्रभाव की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। नीतीश जी ने इंडिया अलायंस की नींव रखी थी, एन फॉर नीतीश उसमें बाहर चले गए, इंडिया अलायंस तो उसी वक्त ध्वस्त हो चुका था। और मैं दो लाइनें कह रहा था कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है अंजना जी, हमने लक्ष्य स्थापित किया था कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिले, पूर्ण बहुमत मिला। अब कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इंडिया अलायंस के कई लोग हों, आपने देखा है ना भाई, हमने तो खबरें नहीं चलवाई थी कि शरद पवार जी अप्रोच कर रहे हैं नीतीश जी को, नायडू साहब को, या लगातार लोग नीतीश कुमार जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, सब लोग। असल में दिक्कत यह है ना कि कांग्रेस पार्टी के पास एक अतिरिक्त बोझ है, अपने युवराज के इमेज की बोझ कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, जो युवराज नेता प्रतिपक्ष बनने को तैयार नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था
कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर लिया है, विपक्ष के नेता बने, बोलना चाहती बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीत हार के विषय में मत सोचिए, देश की जनता ने ठाना है राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाना है। देश की जनता ने तय किया है राहुल जी नेता विपक्ष बने, और हम उम्मीद करेंगे कि शायद वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है, देखिए सत्ता विलाप है इनका, समझने की जरूरत है। ये उस उम्मीद में जी रहे थे कि शायद, अब देखिए ना क्रोनोलॉजी, रिजल्ट्स नहीं आए थे हम सरकार बनाएंगे, रिजल्ट आने शुरू हो गए बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, अब सरकार बन रही है तो नीतीश जी साथ नहीं आएंगे, नीतीश जी साथ में है तो इनके कितने मंत्री बनेंगे, और मंत्री जब बन भी जाएंगे तो ये कहेंगे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, नहीं टिकने वाली है। देखिए इनकी उम्मीदों पर पानी जनता ने फेर दिया है। आने वाले 5 वर्षों में एक सशक्त और मजबूत सरकार चलेगी, बिहारियों की उसमें अहम भूमिका होगी निश्चित रूप से, ठीक है। हम पूरे देश के लिए बेहतर की कामना करते हैं, विकासवादी सोच पर राजनीति होगी, इनकी तरह नहीं है सब कुछ, ठीक है। अब सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप हर कदम पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार भी बन रही है, नीतीश बाबू का साथ भी मिल रहा है, आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। हम हर कदम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे थे, इनकी ऊपर की सांस ऊपर बीजेपी की और नीचे की नीचे रहती है, अगर नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना DDLJ वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये, एक फोटो आ गई थी तेजस्वी जी उनके साथ बैठे थे, बीजेपी पूरी हिल गई, घबरा गई, अरे चाचा जी कहीं पलट तो नहीं रहे। छोड़िए उन बातों को, मैं डंके की चोट पर यहां पर कह रही हूं, CWC के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल जी, संचार के महासचिव जयराम रमेश जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज किया, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया। ये रिजाइन एंड रीनेगोशिएशन जो कॉर्पोरेट्स में होता है वो करने की कोशिश KC त्यागी जी कर रहे थे, लेकिन KC त्यागी जी ने ही रिकॉर्ड पर आपके चैनल पर भी वो चला, उसमें बोला था अग्निवीर और कास्ट सेंसेस, वो इनको सुनाई नहीं दिया, वो इनको पता नहीं चला। तो जब घटक दल मांग कर रहे हैं, जब घटक दल मुद्दे उठा रहे हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है, जब घटक दल आप पर दबाव बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं वो सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी की चिंता मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी वो शख्स है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने पूछा था कौन राहुल, और उसी राहुल गांधी ने आपकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी, और आपको 63 सीटों से घबराकर बैसाखी पर लाके मजबूर कर दिया। तो याद रखिएगा कौन राहुल। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री की घटती हुई लोकप्रियता सबसे बड़ी लायबिलिटी है, उनके तुगलकी परमार और उनकी हिटलर शाही। इशारा कर दीजिए कौन अभिषेक जी जवाब देना चाह रहे हैं, आगे आगे देखिए, इशारा कर दीजिए मेरे सामने, मॉनिटर चलेगा। 30 सेकंड, ठीक है ठीक है, जाइए छोटा सा जवाब, फिर मुझे भदौरिया साहब और मलुक नागर के पास जाना है, बस एकदम छोटा जवाब है। 30 सेकंड। देखिए इन्होंने कहा कि नीतीश जी कहेंगे कल को चांद तारे छोड़कर ले आओ, तो हम बोले आएंगे कि यार नीतीश जी की क्षमता है कि आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। आप जिस परिकल्पना में जी रहे थे कि एक फ्लॉप शो के रूप में राहुल गांधी जी को लॉन्च कर देंगे, उस लॉन्च को भी नीतीश जी ने सीधे से खारिज करके रिजेक्ट कर दिया है। तो नीतीश जी के विषय में तो मत ही बोलिए, और नीतीश जी से इतनी मानसिकता थी, बिना नीतीश जी के आप इंडिया अलायंस की परिकल्पना नहीं कर सकते। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, ये चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज आवाज नीचे, प्लीज अब अपनी अपनी बारी में इंतजार कीजिए, अपनी बारी में सब लोग बोलिए, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है दो लोगों को एक साथ सुनना, फिर कोई कुछ गलत बोल जाएगा बाद में, फिर मामला बढ़ जाएगा, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। अभिषेक जी पूरी कीजिए अपनी बारी। ये विलाप है अंजना जी, आपने प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? देखिए इस तरह का आरोप या तो फैक्ट्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि आरोप नहीं है, सीधे कहना PM का पद दिया जा रहा था, ये तो बार्गेनिंग के लिए तरीका है ना, दूसरे कंपनी की ऑफर लेटर दिखाकर आप जो अपना सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, कैबिनेट पद बढ़ाना चाहते हैं, अगर नहीं तो नेता का नाम बताइए, किसने बोला PM बनाएंगे? देखिए एक बात को समझिए अंजना जी, यहाँ फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं है, हमने अपना स्टैंड पहले क्लियर कर दिया है। अगर आप बार्गेनिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ लगातार हो रहा है, हमने भाई अपना समर्थन दिया NDA को, नीतीश जी ने दस्तखत कर दिए, उसके बाद कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। जिन मसलों को यहां सुप्रिया जी उठा रही हैं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता KC त्यागी साहब ने कुछ मसलों की चर्चा की है, उसका सरकार न बनने बनने से कोई संबंध नहीं है भाई। हमारी पार्टी के बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर हमारा स्टैंड अलग रहता है, क्या दिक्कत है, हमारे आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है।
समझना ये जरूरी है कि हमने सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, सरकार में हमारी क्या सहभागिता होगी यह तय हो जाएगा। तो ना किसी चीज की बार्गेनिंग है, ना किसी चीज का प्रेशर है, वो तो वाक्य में शेयर कर दिया ना। राजनीति में बहुत सारी चीजों को अंदर खाने ही रखा जाता है, ये सिर्फ उजागर करने की एक बात थी कि आज जब कांग्रेस पार्टी और इंडी वाले धराशायी हो चुके हैं और नीतीश जी की जरूरत उनको इस कदर हो चुकी है कि कुछ देर पहले तो एकदम चरण वंदना कर रहे थे, अरे भाई क्या जरूरत थी इतनी तारीफ करने की नीतीश जी की, इससे पहले तो आप तारीफ नहीं कर रहे थे। जब नीतीश जी ने साइड स्विच कर लिया तो इन्हीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था नीतीश जी के विषय में, यह भी आप सबने सुना है। और आज सबके सब नीतीश जी के तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं कि नीतीश जी आप चले आओ शायद हमारी सरकार बन जाएगी, हमें दिन में तारे तो आपने आज दिखा दिए हैं, जरा रातों का सुहाना हमारा सपना है उसको साकार कर दो। अब ये सब कुछ नहीं की जुगलबंदी की बात, मजबूत सशक्त सरकार एनडीए की है और अब आपके रातों में इतराइए, आपके खाली जाने से उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसी स्थिति नहीं है कि आपके 12 सांसद जुड़ जाने से उनकी सरकार बन पाएगी या फिर टीडीपी के भी 16 जुड़ जाने से, उनके लिए रास्ता और मुश्किल है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि सोनिया गांधी को ठीक है संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसी के साथ राहुल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी मांग की गई है। सोनिया को संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है, खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा है। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े, मौसमी विस्तार से बताएं। देखिए संसदीय दल की बैठक चल रही है और यहाँ पे सोनिया गांधी का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रस्तावित किया है, जिसको सेकंड किया है गौरव गोगोई असम से, तारिक अनवर बिहार से और के सुधाकरन ने केरल से। तो तीनों नेताओं ने इसको सेकंड किया है। अब हाथ उठाए जा रहे हैं, सर्वसम्मति से उनके नाम पर यहाँ पे मोहर लगेगी। उसके बाद चर्चा ये भी जोरों पर है कि यहाँ पे तमाम सांसद ये मांग करेंगे कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और ऐसे में पहले ही आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति में भी ये प्रस्ताव पारित हो गया और राहुल गांधी ने कहा है कि उनको कुछ वक्त चाहिए। हालांकि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये राहुल गांधी को बात समझाई कि यही सही समय है, वो लगातार बड़े आक्रामक तरीके से और सरकार को घेरते आए हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार सीधे चलते हैं अनुराग भदौरिया के पास। अनुराग जी देखे, अगर आप पूरी परफॉर्मेंस को देखें तो अल्टीमेटली ये एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं ये प्री पोल अलायंस में लड़े हैं, चाहे वो नीतीश बाबू हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, और ये पहली बार अलायंस बीजेपी के साथ नहीं हुआ है इन पार्टियों का। इनको ऑर्गेनिक अलायंस पीएम ने भी कहा, क्योंकि टीडीपी हो पहले भी कई बार साथ रही है, चाहे आरएलडी हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो साथ रहे हैं जेडीयू, और अब सबने पीएम की जमकर प्रशंसा की है, पूरा सहयोग दिया है, चिट्ठी दे दी है, अब इसमें आप लोग काहे को अवसर ढूंढ रहे हैं? अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम समझ में आया कि उनका गठबंधन का नाम एनडीए है, नहीं पहले तो अब की बार बीजेपी की सरकार, अब की बार फलाने की गारंटी, कभी एनडीए का नाम कब लिया बताइए। इसके पहले 2019 में भी इनका गठबंधन की सरकार थी जिसमें शिवसेना थी, अकाली दल था, जेडीयू भी थी, बाद में सब छोड़ के चले भी गए थे, क्योंकि ये तो सम्मान किसी करते नहीं है, तब तो नहीं कहते थे एनडीए की सरकार, तब तो बीजेपी की गारंटी दे रहे थे, बीजेपी की सरकार का नारा दे रहे थे। पूरे चुनाव भर आप कोई हमें एक होर्डिंग दिखाते हैं जहां पे एनडीए की गारंटी लिखी हो, बताइए, मैं तो चैलेंज करता हूं, जहां एनडीए की गारंटी लिखी हो बीजेपी की गारंटी लिखी जाती थी। इसके मतलब आपने अपने एलाई दल को कुछ समझा ही नहीं था। आज चूंकि आप धाराशाही हो चुके हैं, चूंकि जो इंडिया गठबंधन था उसने आपको औकात दिखा दी है कि आप अकेले जो अपना दम भर रहे थे आप कुछ नहीं है। आज आपको इंडिया गठबंधन की जरूरत, आपको एनडीए गठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन ने 240 पे लाके रोक दिया है, तो आपके पास अब बहुमत नहीं है, आप अल्पमत में हैं, इसलिए आप आइए नीतीश बाबू जी, आप भी आइए। यही जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे, इन्होंने क्या क्या आप शब्दों का इस्तेमाल किया था नीतीश जी के बारे में जब उन्होंने विधानसभा में अपना एक स्पीच दी थी, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता है चंद्रबाबू नायडू जी, जेल चले गए तो कौन बीजेपी के नेता मिलने गया था, अभी पूछोगे तो कहेंगे हम 1999 से मेरा इनका संबंध है, ऐसा संबंध है कि उनसे मिलने तक नहीं गए थे, उनके हालचाल भी नहीं लिया। आज जब आपको लगा कि आपको वहां पार्टी खड़ी करनी है तो उनके साथ गठबंधन कर लिया चुनाव के पहले, उसके बाद वो जीत के आ गए, आपकी सीटें कम पड़ गई, तब आपके लिए भगवान हो गए। अनुराग जी आप लोग भी तो अलायंस में लड़े थे, एक सेकंड अनुराग जी, आप लोग भी अलायंस में लड़े थे,
मुझे दिखा दीजिए यूपी में एक पोस्टर जिसमें आपने इंडिया का संकल्प पत्र लिखा हो। अरे सबके अपने कांग्रेस पार्टी का अलग संकल्प पत्र था, अंजना जी जवाब सुन लीजिए, पार्टी का अपना जवाब सुन लीजिए, सब पार्टियां तो अलग अलग ही लड़ी थी सीट, जवाब सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन का आप बताइए, जब नहीं जब ये सवाल पूछा जाता था तो हम लोग कहते थे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें महिलाओं को 1 लाख देने की बात थी, या हमारा घोषणा पत्र है जिसमें जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी हम लेके उसको सबको लागू करेंगे। इन्होंने कब बोला बताइए जरा, एक बार आप बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन का इन्होंने कब बोला कि उनकी उनकी जो इन सबके जो घोषणा पत्र सबको मिला के लागू करेंगे, कभी बोला तो बता दीजिए। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने सुनिए मेरी बात, अंजना जी ऐसा है कि अब ये चुप, इनको चुप करवाइए पहले, सम्मान तो कर नहीं पाए, इनको बोलिए चुप रहने, एक मिनट, ये एक मिनट, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, एक मिनट अनुराग जी, ये मलुक साहब, मलुक साहब की बारी भी नहीं आई है, आधे घंटे बीत गए, रुक जाओ, बोलिए चलो, मैं बस एक लाइन के जवाब देता हूँ। यहाँ पे अवसाद भी देखने को मिला, झल्लाहट भी देखने को मिली, और जितनी नफरत है वो कितनी बढ़ रही है वो भी देखने को मिली। अवसाद इसलिए क्योंकि जो पार्टी अपने दम पे पिछले 10 साल में 3 चुनाव में तो 3 दशक में नहीं, 3 डिजिट में नहीं आ सकी, वो कह रही है राहुल गांधी ने दिन में तारे दिखा दिए, शाबाश, हमसे 2.5 गुना पीछे हो, तारे हमको दिखा रहे हो आप। दूसरी पार्टी हरा कुर्ता की पार्टी हमसे 7 गुने पीछे है, 7 गुना पीछे है एनडीए से, बीजेपी से, वो कह रही है कि हमने औकात दिखा दी। अरे महाराज में तो क्या पागल हो गए लोग हैं, क्या है, हमें तो जाके इलाज उलाज करवाना पड़ेगा। नई सरकार में बेड बढ़ाएंगे, अवसाद हमने आपको वहां लाके खड़ा कर दिया, बोला था चुनाव के पहले बढ़ने वाली है, बहुत जरूरी इलाज करवाना, खड़ा कर दिया, अरे कहां लाके खड़ा कर दिया है, कहीं अपने खड़े होने की हैसियत नहीं, हमें बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूं आप लोगों से, प्लीज प्लीज, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का बड़ा अच्छा नहीं लगता है जब सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं, आपकी पूरी बात सुनी गई है, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के पास दोबारा आऊंगी, मुझे सुप्रिया जी के पास भी एक बार जाना है, प्लीज सर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अजय आलोक जी, 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, इन लोगों की भाषा, खबर इस वक्त आपको बता दें, सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुन ली गई हैं, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष का चुना जाना था जिसकी प्रक्रिया चल रही थी, सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, इस वक्त की ये खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा और वो चुन ली गई है नेता। चलिए ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी टाइम कम है, अब 2-2 मिनट, ये जो आप खबर दे रही है, बस 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 मैं कह रहा हूँ, ये जो आप खबर दे रही है कोई नई खबर नहीं है, ठीक है ना। युवराज ने अभी तक एलओपी का पद पोस्ट लिया नहीं, माता जी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सारा पद घर में ही रहेगा, चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे, कोई नई बात नहीं हुई है, इसमें कौन सा देश को नया आपने खबर दे दिया, ये तो होना ही था। आगे उन्होंने कभी अपने नेताओं को सम्मान ही नहीं किया, आज आप अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो अच्छे नेता थे उनका सम्मान करने के लिए मजबूर हो गए हो, इस पे लाके इंडिया गठबंधन ने आपको खड़ा कर दिया है, इसके लिए आप हमें धन्यवाद बोलिए कम से कम, नहीं तो कब पूछते थे आप अपने बारे में, पूछते थे राजनाथ साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि मलुक जी आप सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, अजय जी की भी, अनुराग जी की, मलुक नागर साहब जी, सब ये कह रहे हैं कि देखिए अब मामला ऐसा है कि गठबंधन के साथी जरूरी है बीजेपी के लिए, ये सच है कि जेडीयू और टीडीपी उनके लिए डिसाइसिव है, क्रूशियल है, लेकिन आप भी है उनके साथ, आप उनके साथ टिपरा मोथा है, उनके साथ बहुत सारी ऐसी छोटी पार्टियां हैं अपना दल के साथ साथ जो लगातार बनी हुई है। सब बीते दिन से यही सवाल बार बार कर, बीते दिन मैं कर रही थी लेकिन फिर उसके बाद से बड़ी खबर आ गई थी, आपकी बात पूरी हो नहीं पाई, ये आखिर क्या वजह रही कि जयंत चौधरी को वहां पर जगह नहीं दी गई, जयंत चौधरी के 2 सांसद है, अपना दल का 1 सांसद है, फिर भी वहां अनुप्रिया पटेल बैठी थी, आखिर कल क्या हुआ था पूरा जरा मामला समझाइए। कई लोग कह रहे थे नाराज चल रहे हैं जयंत चौधरी, कुछ कह रहे थे कि उनको जगह नहीं दी गई है क्योंकि परफॉर्मेंस यूपी में अच्छी नहीं रही, क्या हुआ था कल? देखिए अंजना जी, जो लोग इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी, उनको शायद पता नहीं है चौधरी चरण सिंह जी के
पोते हैं चौधरी जैन जी, और चौधरी चरण सिंह जी खेत खलियान की राजनीति करते, उन्होंने कभी अपने कपड़ों के नील टीनों पानी लगाया, अजीत सिंह जी ने नहीं लगाया, जैन जी भी अभी नील टीनों पानी लगाते, चौधरी चरण सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री की लाल किले से भाषण दिया था तो ऐसे ही कुर्ते पजामे में अचकन नहीं पहनी थी, ऐसे ही चले गए थे और जाकर के जो रोज कपड़े पहनते थे बगैर प्रेस बगैर नील टीनोपाल के जाकर के भाषण दिया था। तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, खेतों में बैठ जाएंगे चौधरी जैन जी। था जहां तक बात है बैठाने की, मुझे पूरी तरह मैं आप सबके सामने कहना चाह रहा हूं, जो इन्हें कांग्रेसियों को दिक्कत हुई या समाजवादी पार्टी के हमारे भदौरिया साहब को दिक्कत हुई या मध्य प्रदेश का याद कर लें जहां कांग्रेसी कमलनाथ जी ने कहा था अरे हट छोड़ो अखिलेश अखिलेश को, अखिलेश जी बड़े नेता थे, उनकी जान के बेइज्जती की। अब वो लेट हुए या कोई कोई कहीं को ढील रह गई, मुझे उम्मीद है अगर कोई बात भी ऐसी है तो मोदी जी और अमित शाह जी इतना प्यार करते हैं, आने वाले समय में और ज्यादा प्यार करेंगे चौधरी जैन जी को, ये कहीं कुछ है ही नहीं, मार्गदर्शन करते रहेगी और इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो इंसान पार्टी के लिए पूरी अपनी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है, तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत लगा रही है। आपने आज एक बार फिर राहुल जी को कहा जिम्मेदारी लेने के लिए, क्या वो लोकसभा में जिम्मेदारी उठाएंगे आपको लगता है? अब वो वेट एंड सी। सर आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री का लोग बनेंगे उस पर क्या रहेंगे? अरे वेट एंड सी बोले तो क्या भी, इसका मतलब क्या है? तो चलिए अब ये कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल में सोनिया गांधी को नेता चुन लिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे उसी पे बोल रहे थे। मलुक नागर साहब भी एक हमें बता रहे हैं, उनका कहना है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इस बीच ममता बैनर्जी ने बड़ा हमला किया है, वो आपको बता दें। वो अब जब अपने सांसदों से मुलाकात कर रही थी, उन्होंने ये कहा है कि अब एनडीए वालों को घर में रहना चाहिए, एनडीए वालों को अब आराम करने का टाइम आ गया है। इस पर मैं आपका जवाब लूंगी अजय आलोक जी, लेकिन उससे पहले जल्दी से पहले सुना देते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर आ रही हूँ सुप्रिया जी आलू। गर्व हम खुश होंगे अगर जितना जल्दी से जल्दी ए अनस्टेबल एक गड़बड़ गवर्नमेंट जो वीक गवर्नमेंट जिसका पास देश के लिए कुछ नहीं है देना भी नहीं है जल्दी से जल्दी घर वापस जाए, ध्यान ध्यान करे, अच्छा रहे, लेकिन इंडिया का कमिटमेंट इंडिया को चलाने देना ठीक होता है। अगर इसका जगह में मैं होती तो विदाउट माय सिंगल पार्टी मेजोरिटी हम तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ममता बनर्जी कहती हुई कि अब आराम करने का टाइम एनडीए का आ गया है, टाइम खत्म हो चुका है, 30 सेकंड बचे हैं जिसमें से 15 सेकंड सुप्रिया जी आपको, 15 सेकंड अजय आलोक जी आपको मिलेंगे, तो एक एक लाइन में अपनी बात पूरी कहिए। इधर सरकार बन रही है सुप्रिया जी और शपथ ले रहे हैं पीएम, अच्छी बात है, और मैं चाहती हूं कि वो जन विरोधी काम छोड़कर जन कल्याण के काम शुरू करें, वैसे भी उनके हाथ जनता ने बांध दिए। यह प्रवक्ता नीतीश कुमार को नाश कुमार कहता था और कहता था पलटी मारेंगे क्योंकि पलटू कुमार उनका नाम है। आज क्या ये हाथ जोड़कर और कान पकड़ के माफी मांगेंगे नीतीश कुमार से, क्योंकि अब तो घटक दल के साथी हैं, मैं ये जानना चाहती हूं। नीतीश कुमार को नाश कुमार किसी ने नहीं कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ऐसा है कि नाक का कान पकड़ के उठक बैठक करने की आदत कांग्रेसियों की, कान पकड़ के उठक बैठक करने की आदत कांग्रेसियों के पास है, करती रही राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के सामने, मुझे उपदेश देने की कोशिश नहीं। जहां तक रही ममता क्रूरता मानो उनके बारे में कोर्ट ने आज कॉग्निजेंस लिया, एनडीए वाले आराम से नहीं बैठेंगे। मैडम आप अपने जनता पर जुर्म कर रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। अब बीजेपी के बारे में एक बात जान जाइए, चुनाव खत्म या चुनाव शुरू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कल हमारे साथ जरूर रहिएगा क्योंकि कल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और सहयोगी साथियों के साथ एनडीए के बहुमत की वजह से ले रहे हैं। देखते रहिए आज तक।